गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन। हमारा जो टॉपिक चल रहा था स्टूडेंट, वो था एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हिंदी में विशेषण कहते हैं। और हमने पढ़ा था कि भी कितने एडजेक्टिव होते हैं, ओके स्टूडेंट, और उनके यूज़ पढ़े थे और किस प्रकार से उनका यूज़ किया जाता है। और नेक्स्ट जो हमारा है आज, वो है पजेसिव एडजेक्टिव, ओके स्टूडेंट। और पजेसिव एडजेक्टिव को स्टूडेंट संबंधवाचक विशेषण कहते हैं। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? इसमें स्टूडेंट रिलेशन शो करता है, पजेशन शो करता है, ओके स्टूडेंट। संबंधवाचक शो करता है, संबंधवाचक विशेषण बताता है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? दीज एडजेक्टिव इंडिकेट पजेशन, ये किसकी ओर संकेत करते हैं? ये जो विशेषण है स्टूडेंट, ये पजेशन की तरफ संकेत करते हैं। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? संबंधवाचक विशेषण की तरफ संकेत करते हैं, ओके स्टूडेंट। नेक्स्ट एग्जांपल्स, एज जैसे माय एसे इज कंप्लीट, माय एसे इज कंप्लीट, तो इसमें पजेशन बताना है स्टूडेंट। जैसे कि सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ओके स्टूडेंट, और पजेसिव। पजेसिव में जैसे माई हो गया, आवर हो गया, हीज हो गया, हर हो गया, देर हो गया, ओके स्टूडेंट, दीज आर पजेसिव। एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट पजेसिव एडजेक्टिव। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? तो दीज एडजेक्टिव इंडिकेट पजेशन। अब स्टूडेंट हमें पता है कि पजेसिव कौन से होते हैं, माई, ओके स्टूडेंट, और हीज हो गया, हर हो गया, योर हो गया, ओके स्टूडेंट। तो अब यहाँ पर इस सेंटेंस में स्टूडेंट माई एसे इज कंप्लीट, माई एसे, ओके स्टूडेंट, तो माई एसे इज कंप्लीट, तो माई क्या है, पजेसिव, ओके स्टूडेंट। नेक्स्ट आवर कंट्री, और मैंने क्या बताया था कि ये नाउन और प्रोनाउन से पहले इनका यूज किया जाता है, तो ये ऐसे क्या हो गया, नाउन। नेक्स्ट आवर कंट्री इज ग्रेट, और क्या स्टूडेंट, पजेसिव एडजेक्टिव, ओके स्टूडेंट। और कंट्री, कंट्री क्या है, नाउन, नाउन से पहले, नाउन या प्रोनाउन से पहले जिनका यूज किया जाता है, ओके स्टूडेंट। अब आवर कंट्री इज ग्रेट, नेक्स्ट योर रिस्पॉन्स इज करेक्ट, योर रिस्पॉन्स, योर क्या स्टूडेंट, पॉजिटिव एडजेक्टिव, ओके स्टूडेंट। नेक्स्ट इसी प्रकार से हर डॉग, हर डॉग मीन्स उसका रिलेशन बता रहा है, अधिकार बता रहा है उसका, कि हर डॉग उसका डॉग, किसका डॉग, उसका डॉग। योर रिस्पॉन्स किसका रिस्पॉन्स, उसका रिस्पॉन्स, ठीक है। आवर कंट्री, आवर कंट्री, ओके स्टूडेंट, तो आवर कंट्री इट मीन्स कि पोजिशन बता रहा है, अधिकार बता रहा है, संबंध बता रहा है, ओके स्टूडेंट। तो हर डॉग इज वेरी स्ट्रॉन्ग, उसका जो डॉग है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ओके स्टूडेंट। तो हर क्या हुआ, हर हो गया पॉजिटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट देयर हाउस इज वेरी बिग, देयर क्या स्टूडेंट, देयर भी पॉजिटिव एडजेक्टिव। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? और पॉजिटिव एडजेक्टिव के जस्ट बाद नाउन का यूज किया गया। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? तो माई, ओवर, योर, हर, देयर आर पॉजिटिव एडजेक्टिव्स। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव,
डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव विभागवाचक विशेषण होता है स्टूडेंट ये। ओके स्टूडेंट, दीज एडजेक्टिव्स refer to refer to one of number। These adjectives refer to one of number। Okay student, examples as each, every, either, neither, etc. Each, every, either, neither, these are distributive adjective। Okay student, examples each girl has to dance, every person was very happy, next either, room will be stable, fourth neither party can win। These are four examples, we find distributive adjective। Okay student, each, every, either, neither, these are distributive adjective, is that clear student? Girl ye noun hai, ye distributive adjective hai, ye noun hai, ye distributive adjective hai, ye bhi distributive adjective aur ye noun, distributive adjective and noun। Each girl has to dance, ये वर्ग के प्रत्येक मेंबर को शो करता है स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, कि वर्ग के प्रत्येक मेंबर को ये शो करता है, इज दैट क्लियर स्टूडेंट? ईच गर्ल हैज टू डांस, प्रत्येक लड़की ने डांस किया। ओके स्टूडेंट, ग्रुप में जितनी भी लड़कियां थी उनमें से प्रत्येक ने डांस किया। ओके स्टूडेंट, एवरी पर्सन वॉज वेरी हैप्पी,
वेरी हैप्पी। भाई जितने भी पर्सन थे, जितने भी व्यक्ति थे, उनमें से प्रत्येक व्यक्ति खुश था। ओके, नेक्स्ट, आइदर रूम विल बी स्टेबल, कि इनमें से जो रूम है वो स्टेबल होगा। नेक्स्ट, नाइदर, ये स्टूडेंट आइदर जो है वो देता है पॉजिटिव सेंस, पॉजिटिव सेंस। ओके स्टूडेंट, आइदर पॉजिटिव सेंस देता है स्टूडेंट। नेक्स्ट, आइदर पॉजिटिव सेंस देता है। और नाइदर पार्टी कैन विन, कि कोई भी पार्टी जीत नहीं सकती। ओके स्टूडेंट, नाइदर पार्टी कैन विन, कोई भी पार्टी जीत नहीं सकती। तो ये जो नाइदर स्टूडेंट नेगेटिव सेंस, नेगेटिव सेंस देता है, इनमें दो होते हैं, दो में से एक जरूर होता है कोई कार्य। ओके स्टूडेंट, अब आइदर, आइदर मींस कि इसमें से, इसमें पॉजिटिव सेंस निकलता है और नाइदर में से नेगेटिव सेंस निकलता है, मतलब इट मींस कि आइदर रूम विल बी स्टेबल, इनमें से रूम स्टेबल है। ओके, स्टेबल होगा। अब नेक्स्ट, नाइदर पार्टी कैन विन, कि पार्टी, कोई भी पार्टी नहीं जीत सकती। तो कोई भी पार्टी नहीं जीत सकती, इट मींस कि ये नेगेटिव सेंस दे रहा है। ओके स्टूडेंट, तो ये नेगेटिव सेंस के लिए नाइदर का यूज किया जाता है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस? ओके स्टूडेंट, और अब इसके जो एग्जांपल्स है स्टूडेंट, ईट, बॉय डांस्ड, एवरी एंट्री इज करेक्ट, एवरी स्टूडेंट वॉज हैप्पी। ईच और एवरी के साथ स्टूडेंट ये सिंगुलर माने जाते हैं। ओके स्टूडेंट, ये सिंगुलर होते हैं ईच और एवरी, और इनके साथ जो वर्ब यूज होगी वो भी सिंगुलर ही यूज होगी। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडजेक्टिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस? We will change into distributive. Sorry, student. We will change distributive adjective into distributive pronouns. Is that clear, student? अब examples हमारे पास है. Each boy danced. Each of the boys danced,
ओके स्टूडेंट, ईच ऑफ द बॉयज डांस्ड. नेक्स्ट, एवरी वन ऑफ द एंट्रीज इज करेक्ट. नेक्स्ट, एवरी वन ऑफ द स्टूडेंट्स वॉज हैप्पी. Each boy danced. Each of the boys danced. Okay, student. Next, every entry is correct. अब यहाँ पर देखो student, distributive adjective की बात कर रहे हैं तो each distributive adjective है और noun और pronoun से पहले use किया जाता है तो ये क्या आ गया? Noun. Okay, student. Next, इसी प्रकार से distributive adjective and नेक्स्ट क्या है? नाउ. ये भी यहां पर सेम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है. नेक्स्ट क्या है? नाउन गिवन है. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? तो इस प्रकार से स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव एडजेक्टिव के जस्ट बाद नाउन का यूज किया जाता है. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस. ईच ऑफ द बॉयज danced. Next, every one of the entries is correct. Every entry is correct. Every one of the entries is correct. You will be thinking, students, ki entries is a plural. ओके स्टूडेंट, बट ऑफ से पहले एवरी का यूज हुआ है स्टूडेंट. अगर एंट्रीज ये प्लूरल है स्टूडेंट और इससे पहले ऑफ का यूज हुआ है और ऑफ के बाद अगर सिंगुलर है एवरी वन दिया हुआ है तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? तो यहां पर इज का यूज होगा न कि आर का. ओके स्टूडेंट, इज करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हियर. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट सेम, एवरी स्टूडेंट वॉज हैप्पी. एवरी वन ऑफ द स्टूडेंट्स, छात्रों में से प्रत्येक छात्र, ओके स्टूडेंट, वॉज हैप्पी, खुश थे. तो स्टूडेंट्स क्या है? प्लूरल है. ओके स्टूडेंट, यहां पर ध्यान देना स्टूडेंट, ये क्या है? नाउन प्लूरल है, बट हमने यहां पर वाज का यूज किया है, सिंगुलर वर्ब का यूज किया है. क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि स्टूडेंट से पहले ऑफ का यूज हुआ है और ऑफ से पहले एवरीवन सिंगुलर की ओर इंडिकेट कर रहा है. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? तो यहां पर एवरी वन, प्रत्येक एक. ओके स्टूडेंट, छात्रों में से प्रत्येक एक खुश था. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? छात्रों में से प्रत्येक एक लड़का खुश था. तो इसलिए हम यहां पर सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे न कि प्लूरल का. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? ऑफ से पहले अगर सिंगुलर दिया हुआ है और ऑफ के बाद अगर प्लूरल दिया हुआ है तो स्टूडेंट हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, ये एडजेक्टिव जो टॉपिक है स्टूडेंट वो हमारा कंप्लीट हुआ. ओके स्टूडेंट, तो एडजेक्टिव जो टॉपिक है स्टूडेंट वो हमारा कंप्लीट हुआ और आप इस एडजेक्टिव टॉपिक की प्रैक्टिस करोगे घर पर. ओके स्टूडेंट, और आई थिंक दैट You must have to understood this topic. And adjective topic
इज ओवर नाउ। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट वो है प्रीपोजिशन। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट वो है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन इज वेरी सिंपल टॉपिक स्टूडेंट। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच इज यूज बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू शो रिलेशन बिटवीन द अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? कि नाउन और प्रोनाउन से पहले इनका यूज किया जाता है प्रीपोजिशन का, और ये वाक्य में अन्य शब्दों के साथ अपना संबंध दर्शाते हैं। ओके स्टूडेंट, डेफिनेशन, प्रीपोजिशन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड विच इज अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच इज यूज बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन। टू शो रिलेशन बिटवीन द अदर वर्ड्स between the other words in the sentences। Okay student, a preposition is a word which is used before a noun or pronoun to show relation between the other words in the sentence। Okay student, ये student preposition की definition है। Preposition is made of two words। Okay student, preposition is made of two words। Preposition is made of two words, pre plus position। Okay student, pre means before, position means place। हिंदी में पहले और स्थान। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? प्रीपोजिशन इज मेड ऑफ टू वर्ड्स, दो शब्दों से बना होता है स्टूडेंट ये प्रीपोजिशन। कौन कौन से? परी प्लस पोजिशन। परी मीन्स बिफोर और पोजिशन मीन्स प्लेस। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? तो प्रीपोजिशन और ये दोनों ही मिलकर क्या बनते हैं? प्रीपोजिशन। नाउन और प्रोनाउन से पहले इनका यूज होता है, नाउन और प्रोनाउन से पहले इनका यूज किया जाता है। ओके स्टूडेंट,
फर्स्ट सम यूज ऑफ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस। ओके स्टूडेंट, सम यूज ऑफ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस। फर्स्ट, इट इज यूज्ड। विद स्मॉल places, villages, towns, and localities. etc. ओके स्टूडेंट, एट इज यूज्ड। सबसे पहले एट का यूज विद द स्मॉल प्लेसेस, विलेजेस, टाउन्स एंड लोकेलिटीज। ओके स्टूडेंट, जो छोटे स्थान होते हैं, छोटे स्थानों के लिए हम किसका यूज करते हैं? एट का यूज करते हैं। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? छोटे जो प्लेस होते हैं, छोटे स्थान हो गए, गांव हो गए, ठीक है स्टूडेंट, टाउन्स हो गए, और जो लोकेलिटीज़ होते हैं, जो छोटे क्षेत्र होते हैं, ठीक है स्टूडेंट, लोकल एरिया होते हैं, उनके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? एट का यूज़ करते हैं। एग्जांपल्स, फर्स्ट रामू वाज born at Rampur. Next, they live at Adarsh Nagar. Okay student, examples हमारे पास है, here are two examples. फर्स्ट, रामू वाज बोर्न एट रामपुर। मैंने क्या बताया था स्टूडेंट कि छोटे स्थानों के लिए, छोटे स्थानों से पहले प्रीपोजिशन एट का यूज किया जाता है। तो अभी ये क्या है, नेम ऑफ प्लेस और छोटा स्थान है, इसलिए इससे पहले हमने एट का यूज किया। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट, आदर्श नगर। आदर्श नगर भी क्या है? छोटा स्थान है, इसीलिए हमने इससे पहले किसका यूज किया? आदर्श नगर से पहले हमने एट का यूज किया। एट इज यूज्ड बिफोर द स्मॉल प्लेसेस। ओके स्टूडेंट, और विलेजेस, टाउन्स, लोकेलिटीज, ईटीसी एक्सेट्रा। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? तो यहां पर ये जो है रामपुर, ये क्या है? छोटा स्थान है, और छोटे स्थान के लिए एट का यूज किया जाता है, प्रीपोजिशन एट का यूज किया जाता है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट, दिल्ली एट आदर्श नगर, और ये किसको बता रहे हैं? आदर्श नगर। आदर्श नगर क्या है? छोटा स्थान है, और इसलिए आदर्श नगर से पहले हमने एट का यूज, प्रीपोजिशन एट का यूज किया। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? तो अगर बात करें दिल्ली एट आदर्श नगर इन जयपुर, दे लीव एट आदर्श नगर इन जयपुर। जयपुर, जयपुर से पहले इन का यूज किया है, इन क्या है? प्रीपोजिशन। ओके स्टूडेंट, और जयपुर क्या है? बड़ा स्थान है। ओके स्टूडेंट, अगर कंपेयर करें